हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पीरियड मिस होने के पहले जो है आपको प्रेगनेंसी के कौन कौन से सिम्टम्स जो है देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं कंफ्यूज होती हैं कि उनके जो पीरियड मिस होने के पहले जो उनको सिम्टम आते हैं, क्या वो प्रेगनेंसी के हैं या फिर पीरियड के हैं। और जो है बहुत सारे महिलाओं को क्यूरियोसिटी भी होती है जानने की कि क्या उन्होंने इस मंथ जो है प्रेगनेंसी कंसीव की है या फिर नहीं की है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी जिससे जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद आपने जो है इस मंथ प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपकी पीरियड मिस भी नहीं हुई होगी, आपकी बॉडी जो है आपको कुछ इंडिकेट करती है, कुछ आपको संकेत देती है, आपके जो है शरीर में ऐसे कुछ बदलाव आपको नजर आएंगे जिससे जो है हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि ये जो है सिम्टम से ये बहुत अलग है। ये जो है हमारे बॉडी में जो एक अलग डिफरेंट एक हमें जो है एक बदलाव नजर आता है, इससे जो है हम पता लगा सकते हैं कि शायद इस महीने जो है हमारी प्रेगनेंसी रुक गई है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपके जो है जब आपकी पीरियड मिस हुई भी नहीं होती है उसके कितने दिन पहले जो है आपका जो है प्रेगनेंसी कंसीव होती है और तब से जो है आपकी जो है प्रेगनेंसी के सिम्टम दिखने लग जाते हैं। आपके पीरियड मिस होने के एक हफ्ते 10 दिन पहले जो है आपका इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो हुआ होता है। तो आपका इम्प्लांटेशन जब सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद ही जो है आपकी बॉडी में जो है प्रेगनेंसी के हार्मोन्स बनने लग जाते हैं। जब प्रेगनेंसी के हार्मोन्स बनने लग जाते हैं तभी जो है आपके बॉडी में जो है सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है और उसके बाद ही जो है आपके पीरियड मिस होने के बाद आपकी जो है प्रेगनेंसी जो है कंफर्म हो सकती है। तो सबसे पहला सिम्टम क्या होता है कि आपके पीरियड मिस होने के पहले जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, मान लीजिए पीरियड के एक हफ्ते पहले, अब हो सकता है कि किसी के 4 दिन पहले, किसी के 3 दिन पहले भी हो, क्योंकि आपके पीरियड साइकिल पे डिपेंड करता है, आपका फर्टिलाइजेशन पे डिपेंड करता है कि आपका जो है कभी आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हुआ है। तो इम्प्लांटेशन का जब प्रोसेस आपका होता है उसी वक्त जो है इम्प्लांटेशन के वक्त जो है आपको दो जो है सिम्टम आपको देखने को मेजर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एक है इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स। अब इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स क्या होता है? इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स से ही जो है बहुत सारे महिलाओं को कंफ्यूजन होता है कि शायद उनको पीरियड के क्रैम्प्स हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी, इम्प्लांटेशन का क्रैम्प जो होता है आपको पेट के निचले हिस्से में होता है, मतलब आपके नाभि के निचले हिस्से में। ये पेन जो है आपको थोड़ी थोड़ी चुभन जैसा महसूस हो सकती है, लेकिन ये पेन जो है बिल्कुल भी आपको सीवियर पेन नहीं होगा कि आपसे जो है बर्दाश्त ना हो। पीरियड का क्रैम्प जो है थोड़ा ज्यादा होता है, अगर हम इससे इसके मुकाबले थोड़ा ज्यादा पेन होता है, लेकिन जो इम्प्लांटेशन का पेन बहुत ज्यादा नहीं होता, हल्का फुल्का ही जो है ये क्रैम्प्स होता है आपको। और ये क्रैम्प जो है आपको बहुत ज्यादा दिन तक भी नहीं होता है। इम्प्लांटेशन क्रैम्प जो है आपको हल्का हल्का स्टार्टिंग पॉइंट में थोड़ा बहुत पेन लग सकता है। अब ये पेन क्यों होता है आपको? इम्प्लांटेशन प्रोसेस के वक्त जब आपका जो है एम्ब्रियो है आपके ये यूट्रस के लाइन में जब आके चिपकने की कोशिश करती है, वहां पे इम्प्लांट होने की कोशिश करती है, तो उस जगह को थोड़ी सी खुरेदने लग जाती है ताकि वो वहां पे इम्प्लांट हो सके। तो उसी दौरान जो है आपको ये क्रैम्प्स महसूस होते हैं जिसे हम इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स कहते हैं। अब सेकेंड सिम्टम क्या है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग। ये भी जो है इम्प्लांटेशन के दौरान ही जो है आपको ये सिम्टम देखने को मिलता है। ये बहुत सारी महिलाओं को ये सिम्टम आए जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, बार बार आपको कह रही हूँ, सारे महिलाओं को ये सिम्टम आए जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ महिलाओं को जो है ये सिम्टम भी देखने को मिलता है। अब इम्प्लांटेशन के टाइम क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका एम्ब्रियो जब जो है आपके यूट्रस के लाइन को जब लाइन के वहां पे जब इम्प्लांट होने की कोशिश करता है तो उस जगह को खुरेदता है। तो उस जगह को जब खुरेद के इम्प्लांट होने की कोशिश करता है उस दौरान जो है इम्प्लांटेशन पेन, इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स के साथ साथ जो है बहुत सारी महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग भी होती है। अब ये स्पॉटिंग से भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या उन्हें पीरियड आ गया है, तो पीरियड में और इसमें क्या फर्क है? इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है आपको, ये जो है बहुत छोटी छोटी बूंद बूंद में आपकी स्पॉटिंग होती है, जस्ट जो है एक एक ड्रॉप जैसा होता है, और पीरियड तो आपको फ्लो में आता है। इसके लिए जो है बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो, इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स में आपको बिल्कुल भी जो ब्लीडिंग का फ्लो नहीं आने वाला है, छोटा छोटा स्पॉटिंग होगा। हो सकता है कि आपको एक दिन देखने मिले, दूसरे दिन ना देखने मिले, या फिर जो है आप बहुत सारी महिलाओं को जो है
पता भी नहीं चलता है कि उन्हें जो हल्का हल्का स्पॉटिंग हुआ हुआ है करके। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग हो सकता है, 1 से 2 दिन हो सकता है थोड़ा बहुत स्पॉटिंग देखने को मिले, और उसके बाद जो है ये बंद हो जाता है, बिल्कुल भी इसमें फ्लो नहीं आती है आपकी जो है पीरियड जैसा। तो बिल्कुल अब इन दोनों में जो है बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, पीरियड का जो फ्लो, पीरियड में जो ब्लीडिंग होती है वो बिल्कुल अलग है, और इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग जो है बिल्कुल भी अलग है। अब आपकी ये दोनों सिम्टम हो गई इम्प्लांटेशन की, अब आपकी पीरियड मिस भी नहीं होगी। जब आपकी इम्प्लांटेशन हो गई है सक्सेसफुल, उसके बाद जो है आपकी बॉडी में हार्मोन्स बढ़ने लग जाते हैं, प्रेगनेंसी में बनने वाले जो हार्मोन्स है वो बनने लग जाते हैं, उस दौरान जो है आपको और भी अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है आपको बताते हैं। क्या है सिम्टम? ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है जो शायद आपको पहले कभी देखने को नहीं मिला है। ब्रेस्ट में एक टेंडरनेस फील होता है, एक पेन फील होता है, एक हैवीनेस फील होता है। अब ब्रेस्ट में जो आपको एक चुभन सा फील हो सकता है, एक टेंडरनेस वाला फील हो सकता है, या फिर जो है बहुत सारे महिलाओं को जो है ब्रेस्ट हैवी लगने लग जाता है, एक हैवीनेस फील आ जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो है हार्मोन्स में बदलाव आता है, जिस वजह से जो ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा जो बदलाव आता है बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो बहुत टाइम क्या होता है कि ब्रेस्ट में एक हैवीनेस फील होता है जिससे भी आप महसूस कर सकते हैं, एक पेन आता है, जब हैवीनेस आता है उस हैवीनेस के साथ साथ जो है आपको एक पेन भी फील होता है ब्रेस्ट में, उसे भी पता लगाया जा सकता है कि शायद आपने इस मंथ जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया, एक अंदाजा आप जो है लगा सकते हैं। अब इसके साथ साथ जो है नौसिया का फीलिंग जो है बहुत ज्यादा होता है, सारे महिलाओं को जो है नौसिया का जो है सिम्टम है नहीं आती है, बहुत सारे महिलाओं को जो है नहीं फील होता है, कोई भी सिम्टम फील नहीं होता है, वही बहुत सारे महिलाओं को जो अर्ली पीरियड से ही जो है नौसिया फील होने लगता है। अब नौसिया क्या होता है? नौसिया का मतलब होता है जी मचलाना। प्रेगनेंसी के जैसे उनका प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, जिस वजह से जो है नौसिया फील होता है कि उनमें जो है कोई भी खाना वगैरह या फिर कोई स्मेल या कोई कुछ भी खाते हैं तो उनसे जो है वो खाना नहीं खाया जाता है, उनसे जो है जी मचलाता है, वॉमिटिंग वाला फील आता है। नौसिया में क्या होता है, वॉमिटिंग वाला फील आता है लेकिन जो है वॉमिट नहीं होता है, जिससे जो है उन्हें खाने का जो है बिल्कुल भी मन नहीं करता है, खाना देखने का भी मन नहीं करता है, उन्हें उनका जो है जी बार बार मचलाता है, अगर कुछ खा भी लेते हैं तो उनको जो है अच्छा फील नहीं होता है। अब नौसिया के साथ साथ बहुत सारे लोगों को वॉमिटिंग भी फील होती है, जरूरी नहीं है वापस कि सारे महिलाओं को जो है वॉमिटिंग वाला सिम्टम आए, बहुत सारे महिलाओं को नहीं आती है, कुछ महिलाओं को आती भी है। वॉमिटिंग मतलब क्या है कि उन्हें जो है अर्ली टाइम पे जब नौसिया फील होता है तो उन्हें वॉमिटिंग भी फील होता है, उन्हें जब भी कुछ उखा भी लेती है तो उन्हें जो है तुरंत वॉमिट हो जाता है, तुरंत कुछ भी उन्हें स्मेल आता है या फिर कुछ खाने का मतलब मन भी नहीं करता है, अगर थोड़ा बहुत स्मेल भी आता है उससे भी उन्हें वॉमिटिंग हो जाती है, मिल्क पीते हैं तो उससे भी वॉमिटिंग होता है, बहुत सारे महिलाओं को तो पानी पीने से भी वॉमिटिंग हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी, वुमेन टू वुमेन, सारी प्रेगनेंसी अलग होती है, सारी महिलाओं का जो है बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करता है, किसी का प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होता है और किसी का जो है बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये भी जो है आपको अर्ली पीरियड में जो है पता चल सकता है। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है कि आपकी प्रेगनेंसी जब कंसीव हो जाती है उसके बाद जो आपका पीरियड मिस भी नहीं होता है, उसके पहले से ही जो है आपका बॉडी ये भी इंडिकेट करता है कि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ जाता है। आपको ऐसा फील होगा कि शायद आपको फीवर है, बॉडी का टेम्परेचर टच करके देखोगे तो हल्का सा आपको गर्म लगेगा, लेकिन जो है आपको बिल्कुल भी फीवर वगैरह नहीं होता है, वो प्रेगनेंसी की वजह से ही जो है आपका बॉडी का टेम्परेचर में थोड़ी सी जो है बढ़ोतरी हो जाती है, बट बिल्कुल भी इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्या हैडेक, बहुत सारी महिलाओं को हेडेक का भी बहुत ज्यादा सिम्टम आता है कि उनके जो है सिर में बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत स्ट्रेस वाला फील होता है, बहुत ज्यादा हेडेक होता है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि प्रेगनेंसी के अर्ली टाइम पे जो है आपको ये सिम्टम आए, आपको जो है जब आपका प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए तो आप जो डॉक्टर से कंसल्ट करें तो जो है डॉक्टर आपको आगे कंसल्ट करेंगे, बताएंगे, आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको जो है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो है मेन जो है सिम्टम है जो आपके पीरियड मिस होने के पहले ही जो है आपको आते हैं। अब जो है बहुत सारे महिलाओं को जो है बहुत अर्ली टाइम पे जो है उन्हें जो है डिस्चार्ज, वाटर डिस्चार्ज भी होता है, बहुत सारे महिलाओं को जो है डिस्चार्ज वाला भी जो है सिम्टम आते हैं। क्या होता है कि अर्ली टाइम पे उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे महिलाओं को जो है थोड़ी सी वाटरी डिस्चार्ज होती है, मिल्की डिस्चार्ज भी हो सकती है, बहुत पतला मतलब बहुत थिन वाटरी जैसा होता है। अगर आपको अपने डिस्चार्ज में अगर कुछ अलग ही ये हो, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत मोटा मोटा डिस्चार्ज हो, बहुत ज़्यादा स्टिकी डिस्चार्ज हो, तो जो है आपको तुरंत जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अदरवाइज अगर हल्का फुल्का वाटरी या फिर हल्का फुल्का अगर मिल्की टाइप डिस्चार्ज हो रहा है तो ये कॉमन है,
प्रेगनेंसी के दौरान भी ये बहुत ज्यादा होता है, नॉर्मली भी होता है, लेकिन अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया तो उस दौरान भी जो बहुत सारे महिलाओं को ये सिम्टम आता है। तो ये सारे सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए हैं कि आपको पीरियड मिस भी नहीं हुआ होगा जो ये आपको ये सिम्टम देखने को मिलेगा। और आपकी जो है प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जब आपको ये सारे सिम्टम आते हैं, उसके बाद सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि आपका पीरियड मिस हो जाना। अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है तो उसके बाद जो है आपको अपने प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए प्रेगनेंसी किट द्वारा जो है अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करनी चाहिए। उसके बाद अगर आपकी कंफर्म हो जाती है तो आपको जो है तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई सिम्टम नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो है मैंने जैसे आपको बताया कि प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी, वुमेन टू वुमेन डिपेंड करता है कि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। बहुत सारे महिलाओं को जो है कुछ भी सिम्टम नहीं आते, पूरे 9 महीने जो है उन्हें किसी तरीके का दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर उन्हें सिम्टम नहीं आ रहा है तो प्रेग्नेंट नहीं है, या फिर सिम्टम नहीं आ रहा है तो वो 9 महीने के दौरान सिम्टम नहीं आ रहा तो उनका बच्चा जो है हेल्दी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिपेंड करता है कि महिला का बॉडी जो है अलग अलग किस तरीके का रिस्पॉन्ड करती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो आशा करती हूँ कि आपको आज जो है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।